नहीं है। देखिए जहाँ तक इस कुथुआ केस का ताल्लुक है, रैप एंड मर्डर केस का ताल्लुक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है एक बहुत अच्छे और साइंटिफिक और ध्यानदार तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है, जिसे हर लेवल पे अप्रिशिएट किया गया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है इसने बड़ी ध्यानदारी से, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और इस वक्त वो अदालत में चल रहा है। हमें यकीन है कि अदालत डेफिनेटली उन लोगों को सज़ा देगी जिन्होंने ये जुर्म किया। मुल्क में खासकर जम्मू कश्मीर में मुझे एक वाक़ा हुआ, इस वक्त जो ये रेप और मर्डर के जो केस हो रहे हैं ज़्यादा उन बच्चियों के साथ हो रहे हैं जिनकी एज 12 साल से कम है, 14 साल से कम है। एक अनफॉर्चुनेट वाकत पेश हो रहे हैं सारे मुल्क में जी। तो इस वास्ते जो मुल्की लेवल पर जो फैसला किया गया है कि वो लोग जो इस जराइम में मुलव्वस हों और उनके खिलाफ अगर जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें लेवल पर हो या रियासती लेवल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस वास्ते फास्ट ट्रैक तरीके पर होना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हों उन्हें करार वाकई सजा दी हो रही है। और मेरे ख्याल में ये हम भी एग्जामिन इसे करेंगे रियासती सतह पर और जहाँ ज़रूरत होगी वैसा किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको यकीन दिला दूँ कि जहाँ तक कुथुआ का वाका है बहुत अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तौर सही तरीके से तफ्तीश होकर चालान पेश हो गया है अदालत में। और इस केस की न सिर्फ सुनवाई इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज हैं कुथुआ के उनके पास है, बल्कि इस वक्त इस केस को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। और आप जानते हैं कि मुल्क में इसके खिलाफ सारे मुल्क में आवाज़ उठी और जितना मीडिया है, नेशनल मीडिया या रियासत का जो मीडिया है, सब ने इसमें सपोर्ट किया। तो मुझे यकीन है कि ये केस जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें चूंकि सब जूडिस है उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, वो भी अपना फैसला दे देंगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो जुर्म है इसका जो ट्रायल होगा बहुत जल्द होगा और ट्रायल भी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी इसकी, तो उसके बाद जो मुलजिम इसमें मुजरिम पाए जाएंगे उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। देखिए यह सही कदम है, चूँकि मुल्क में भी आवाज़ उठी है बड़ी लेवल पर, हर लेवल पर आवाज़ उठी है कि जो इस टाइप के मुजरिम हैं जो इस इन जराए में मुजरिम करार पाए जाएंगे उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। तो एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है और इस पर रियासती सरकार भी इस पर देख रही है। आपके कहें कि बदकस्मती से इसको केस में सियासत हो रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस केस में दयानदारी से हुई है, इसमें प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने नाम कमाया है अपना दयानदारी में और ईमानदारी में, इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं।